पेरिस ओलंपिक में दो ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली इंडियन शूटर मानु भाकर देश की नई स्पोर्टिंग सेंसेशन बन गई हैं। एक स्पोर्ट में दो मेडल जीतने वाली वे देश की पहली एथलीट हैं। इसी बीच अब वो एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में भी तहलका मचाने जा रही हैं। मानु भाकर को लेकर देश के कई बड़े ब्रांड्स ने विज्ञापन के लिए भारी मांग की है। मेडल जीतने के बाद कम से कम 40 ब्रांड्स ने विज्ञापन के लिए मानु भाकर से कांटेक्ट किया है। इस डिमांड के चलते मानु भाकर की फीस भी 6 से 7 गुना तक बढ़ गई है। जहां अभी तक वो हर एंडोर्समेंट के लिए करीब 20 से 25 लाख रुपए चार्ज करती थी, वहीं अब मानु भाकर 1.5 करोड़ रुपए तक चार्ज कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल मानु भाकर को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काफी डिजिटल एंडोर्समेंट मिल रहे हैं, लेकिन उनका फोकस लॉन्ग टर्म डील पर है। वहीं आपको बता दें कि मानु भाकर अभी तक पेरिस से भारत वापस नहीं आई है, लेकिन उनकी मैनेजमेंट कंपनी को ई कॉमर्स से लेकर स्किन केयर प्रोडक्ट तक के विज्ञापनों के लिए 40 से अधिक प्रस्ताव मिल चुके हैं। इसके अलावा ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद मानु भाकर को करोड़ों रुपए के कैश प्राइजेस भी मिलने वाले हैं। इससे पहले 2021 के जापान ओलंपिक के समय नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने के बाद उनकी ब्रांड वैल्यू में 10 गुना तक की बढ़ोतरी हुई थी। मानु भाकर की सफलता पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए पैसा लाइव को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।